अफगानिस्तान ने आज जो है ना वो मारा कम है, घसीटा है, लिटाया है, आंखों में मट्टी डाल काला किया है। चाहते तो तीन ओवर पहले भी जीत जाते वो लोग। हल्की आंच पे जलील किया है उन्होंने, बोझ गला दिया उन्होंने। अच्छा हुआ कि ये इसी ग्रुप के साथ हारे हैं, ताकि इस ग्रुप से इस वर्ल्ड कप के बाद हमारी जान छूट जाए। वन साइडेड हराया उन्होंने पाकिस्तान को आज बैटिंग से। बैटिंग हमें मैच हरा दे हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर बॉलिंग हमें मैच हराती है ना तो वो बहुत जोर से लगती है। एक क्रॉस बैटेड शॉट नहीं मारा उन्होंने पूरी इनिंग, बॉल को तारा भी नहीं बनाया आज उन्होंने। आप ये देखें उनकी कैच एफिशिएंसी सबसे कम है इस टाइम पे, और हमारी दफा में आके जो है मजाले उन्होंने को कैच छोड़ दिया। वो बिल्डिंगों के बीच में क्रिकेट खेलते हैं ना कि इधर मारो तो दीवार पे लग के उधर आ जाएगी, दो रन भाग लेंगे, मेरे ख्याल से वो ये समझ रहा था। अब तो मुझे लग रहा है हारिस का भी लास्ट स्टेज है। एंटीबायोटिक तो बड़ी दूर की बात है, पहले तो आइडेंटिफाई तो करेंगे इन्फेक्शन। बोर्ड स्ट्रांग होता तो ये करते इस तरह की हरकत? यार गुरबाज और इब्राहिम बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था ड्रेविड और सहवाग बैटिंग कर रहे। हम उसकी प्राइड को रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील नहीं कर रहे तो फिर ये किस बात के स्टार है? बाबर आजम से काशिफ भाई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि जब आपकी स्पिन नहीं चल रही है, आपकी कोई बॉलिंग अच्छी नहीं चल रही है, तो आप कैसे जीतेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था इस बार? अच्छा, आज अभी बाबर आजम खुद ही बोल रहे हैं कि स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। रिजवान क्या मट्टी साफ कर रहा था पिच के ऊपर से आ जाके? यार एक आध मैच वो जो कोच है ना हमारे अब्दुल रहमान, उनको भी खिला लेना चाहिए। अभी एक रिव्यू बाबर ने रोका है कि यार इसका कोई फायदा नहीं है। चलो मैच के बाद फायदा हो जाएगा उसका कोई ना। दीवार के साथ लगे होते हैं हम तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन इस दफा ज्यादा लग गए दीवार में भी, चमका छेद हो गया। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। हम क्रिकेट देखने से नहीं थकते। यहाँ से पाकिस्तान को कहाँ जाना चाहिए? पाकिस्तान ही आना चाहिए इनको, कहीं भी चले जाए। क्या हुआ आतिफ भाई? कुछ नहीं हुआ, मैं नंब हूँ इस टाइम पे, मैं सुन बैठा हूँ। क्यों काशिफ भाई, ऐसा क्या हुआ है? अफगानिस्तान ने आज जो है ना वो मारा कम है और घसीटा ज्यादा है। सिर्फ घसीटा है उन्होंने, घसीटा है, लिटाया है, आंखों में मट्टी डाल काला किया है, फिर पीछे लटकाया हमें, फिर घसीट के लेकर गए हैं, फिर गांव वालों के सामने जूतियां मारी हैं। चाहते तो तीन ओवर पहले भी जीत जाते वो लोग, लेकिन उन्होंने कहा इनको बिल्कुल जो हल्की आंच पे जलील किया हमें उन्होंने, तरसा तरसा के बोझ गला दिया उन्होंने, हल्की आंच पे पका गोश्त गला हुआ था, फिर बाबर का दिमाग से निकल गया गोश्त। अब हड्डी ऐसे गोश्त खुद ही निकल रहा है नीचे से। आज पाकिस्तान क्यों आ रहा? पाकिस्तान आज हारा नहीं है आज, बस आज अफगानिस्तान जीत गया है बहुत जबरदस्त खेल के। सारी उन्होंने तवानाई जो है ना आज के मैच के लिए बचा के रखी हुई थी, और वो और इतना फोकस, ऐसे लगता है जैसे मिशन पे आए हैं वो, कि आज तो हमने इनको छोड़ना नहीं है। और मेरे ख्याल में इससे अच्छा अफगानिस्तान की बैटिंग कभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा अफगानिस्तान की बैटिंग ने, जितना कंट्रोल्ड और जितना उन्होंने, आप ये देखें एक क्रॉस बैटेड शॉट नहीं मारा उन्होंने पूरी इनिंग में। वेरी अनलाइक अफगानिस्तान है, जितने छक्के मारे उन्होंने सीधा लिफ्ट किए और खूबसूरत छक्के मारे, एरियल शॉट भी नहीं मारे उन्होंने, दो तीन मारे हैं और इंतहाई हसन अली को सीधा लिफ्ट किए उन्होंने, सर्कल के ऊपर से कोई उन्होंने नहीं बनाई, बॉल को तारा भी नहीं बनाया आज उन्होंने। और ये वही अफगानिस्तान है जो हम जब 201 बनाते हैं हम्बन टोटा के अंदर तो ये 59 रन पे फोल्ड हो जाती है, तो हमें ये था कि 280 रन बन गए, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि मोर देन एनफ है। अफगानिस्तान तो वही थी, लेकिन हमारी बॉलिंग बहुत पैथेटिक थी, हमारी बॉलिंग बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। अच्छा, और आज ज्यादा बुरी बॉलिंग थी या पिछले मैच में ज्यादा बुरी बॉलिंग थी उससे पिछले मैच में ज्यादा बुरी? अच्छा, मैं कुछ टाइम से स्टैट्स देख रहा था, इवन जो पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम भी आई थी, हम काफी अरसे से 300 रन कंसीड करते हुए आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की बॉलिंग का कभी भी खासा नहीं रहा। हम लोग हमेशा जो है वो 230-40 ऑन एवरेज फर्स्ट इनिंग्स में जो है वो कंसीड करते हैं, लेकिन 300 रन हमने न्यूजीलैंड की ए बी टीम में उसे भी खाए हैं, तो दिस वॉज कमिंग। तो बाबर आजम से काशिफ भाई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि जब आपकी स्पिन नहीं चल रही है, आपकी कोई बॉलिंग अच्छी नहीं चल रही है, तो आप कैसे जीतेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था इस बात? अच्छा, रोज का है हमारा तो एक्चुअली। आज जो है ना, जो अभी हम बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना हमेशा से अच्छी रही थी, लेकिन पिछले जो हम एक साल डेढ़ साल से देख रहे हैं 300 रन भी खा रही है। दूसरा ये कि अच्छी टीमों के खिलाफ जब 300 बन रहा था ना, तो हमें लग रहा था कि कमज़ोर टीमों के खिलाफ नहीं बनेगा, फिर श्रीलंका ने भी बना दिए, और आज अगर पूरा मैच होता तो अफगानिस्तान ने भी समझो 300 बना दिए हैं, तो हमारी मीडियोक्रिटी को मजीद एक्सपोज कर दिया उन्होंने आज। आपने पहले बैटिंग ही इस वजह से की थी क्योंकि आपको पता था अगर बॉलिंग हमने पहले की, इन्होंने 300 से ऊपर बना देने हैं और इनकी बॉलिंग के खिलाफ हमसे नहीं हो पाएगा। और इसी विकेट पे ना उनकी बॉल स्पिन भी होती, राइट एरियाज पे भी गिरती और वो हमें फिर भी फंसा देती, राइट जगह पे गिरेगी सेकंड इनिंग में भी। देखिए अब ये राइट एरिया में बॉल खुद तो नहीं गिरेगी ना भाई, करानी पड़ेगी ना। हम ये बात एक अरसे से कह रहे हैं, सारी दुनिया इस बारे में बात कर रही है कि दिस इज द वीकेस्ट स्पिन अटैक ऑफ पाकिस्तान दैट हैज एवर प्लेड इन इंडिया। आई थिंक इन दिस वर्ल्ड कप दिस इज द वीकेस्ट अटैक, सारी टीमों में सबसे वीकेस्ट स्पिन अटैक। अब पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान की बैटिंग सस्टेन करती है,
बारी लेते हुए वो रन बनाते हैं अपना। चले हम उस पर भी बात कर सकते हैं कि यार वो थोड़ा स्लो था, 10-15 रन और होने चाहिए थे। उस इस प्रॉब्लम पे भी हमने बात की, पिछले मैच में भी यही मसला हुआ था कि वो थोड़ा सा स्टार्ट लेने के बाद एक शैल में चले जाते हैं, एक तरफ से इमाम डॉट बॉल खेल रहा होता है और फिर दूसरी तरफ से अब्दुल्ला को डॉट बॉल लगती हैं, अब्दुल्ला फिर भी उसको कंपनसेट कर देता है, इमाम उसे कंपनसेट नहीं करता। मिडिल ओवर्स के अंदर आते हैं तो हम एक 18 साल के लड़के को जिसको आज दुनिया ने पहली दफ़ा इंटरनेशनल फ्रंट पे बॉलिंग करते हुए देखा, उसका वर्ल्ड कप का डेब्यू, वो उन प्लेयर से कई हज़ार गुना ज़्यादा अच्छी स्पिन बॉलिंग करा रहा है, जो 8-8 साल से 7-7 साल से टीम के साथ हैं, कोई मैच विनर है, कोई वाइस कैप्टन है। इनके बारे में जब कैप्टन से सवाल पूछोगे यार ये तुम्हारे विकेट नहीं लेते, ये तुम्हारे परफॉर्म नहीं करते, तो वो आगे से इतना ज़्यादा उनका इस तरह का रिस्पांस होता है कि मजाक उड़ा रहे हैं। आज अभी बाबर आजम खुद ही बोल रहा है कि स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम उसने ये बोला है कि स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, वरना एशिया कप में भी ये डिफेंड कर रहा होता था, इवन हाफ ट्रैकर्स भी करवा रहे, तो कह रहे मेरा नहीं ख्याल आपने बुरी बॉलिंग की। अरे भाई 9 में वो जो आपका 56 खा गया, 58 खा गया आपको, और कौन सी खूबसूरत बॉलिंग आपको नजर आ रही है उसकी। और दूसरा ये कि भाई सिर्फ हाफ ट्रैकर की भी बात नहीं है ना, आप जब वेरिएशन नहीं करोगे उसके साथ, लेग स्पिनर क्या एक लेग ब्रेक ही करता है बॉल, राशिद खान ने कितनी गूगली करी, टॉप स्पिनर होते हैं, टॉप स्पिनर कितनी करी, ना इनकी बॉल ड्रिफ्ट हो रही, ना इनकी बॉल क्या कहते हैं ग्रिप हो रही, जब सही जगह पे गिरेगी नहीं, इतने बड़े बड़े रफ पड़े हुए हैं, वो 18 साल का लड़का उन रफ्स को एक्सप्लॉइट करके यूज़ कर सकता है। हम जब कंडीशन हमारे फेवर में होती है तब हम उसे यूटिलाइज़ नहीं करते, जब रिवर्स स्विंग हो रही थी तब हारिस रऊफ शॉर्ट बॉलें करा रहे हैं, शॉर्ट बॉल पे किस बॉलर ने आज तक रिवर्स स्विंग करी है, कोई याद है काशिफ भाई? ये पहला बंदा होगा जो करने की कोशिश। अफगानिस्तान के जीतने की एक और वजह भी है आज, फजलुल्लाह फारूकी नहीं खेल रहा था। हाँ, वो नसीम शाह भी नहीं खेल रहा उनको था। पता था कि यही पन होती है, ये बैठ जाएगा, ये हो जाएगा, भले 10 स्पिनर खिलाने पड़े मुझे। सही बात। अच्छा, उन्होंने वही काम किया। और इमाम के देखो भाई, वही एक शॉट है, आप शॉट बॉल करा दो, जान उसमें है नहीं, क्योंकि भाई वो शॉर्ट बॉल नहीं थी, वो तो कट वाली बॉल थी, उसने तो कहां से मारी, स्टंप से उठा के पुल किया। जिस बात, वो सारे मैचेस में ऐसे ही आउट हो रहा है ना, वो ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद पे भी उसने मधुशंका को जब मारना था उधर मार दिया जो है फाइन लेग पे और आउट हो गया था, तो यही उसने किया और आज भी यही हुआ। कितने में खाता 10वें ओवर में आउट हुआ था, इतने में हुआ। गुरबाज को देख ले, गुरबाज रिजवान क्या मट्टी साफ कर रहा था पिच के ऊपर से आ जाके, रिजवान भी जो है ना, मतलब रिजवान ने कहा कि रिजवान का वो इतना वाइड है, वो आराम से ड्राइव लगता, और वो चौके वाली बॉल थी जिसपे वो वहां पे स्वीप मारा था, चाइना मैन उसको वहां से बाहर निकाल रहा है गेंद, और वो कहां से मार रहा है भाई, खेल रहे हो वो तकरीबन वाइड वाली बॉल को, तो वो तो एज लगना ही है यार, इस बॉल पे नहीं लगता तो किसी और बॉल पे लगता। आज उसका मूड नहीं था खेलने का, मूड नहीं था। कमाल उसका ये है कि मारा उसने मिड विकेट पे और कैच वो पीछे हुआ यार, ये भी फील्डर के लिए भी, उन्होंने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी ग्राउंड फील्डिंग किया उन्होंने। आप ये देखें उनकी कैच एफिशिएंसी सबसे कम है इस टाइम पे वर्ल्ड कप में, 55%, लेकिन और हमारी दफा में आके जो है मजाले उन्होंने को कैच छोड़ दिया, और ग्राउंड फील्डिंग इतनी जबरदस्त इनकी। नहीं यार, हम क्यों इस बात पे रिलाई करते हैं कि वो हमारा कैच छोड़ेंगे या वो मिसफील्ड करेंगे, हम 5 रन पर ओवर रिक्वायर्ड है और हमने सारा सर्कल खोला हुआ है, हम ना रन रोकने की तरफ जा रहे हैं ना विकेट लेने की तरफ जा रहे हैं। भाई 2 ओवर डॉट के कराए थे अच्छे भले, शादाब ने आके सारा मोमेंटम खराब कर दिया, एक तरफ से हसन अली डॉट बॉल कराता है पूरे ओवर में, अगले ओवर में 2 चौके मार देते हैं वो सामा को या शादाब को। यार जब ये इतने पथेटिक किस्म के बॉलर हैं तो यार इनकी जगह बैट्समैन ही खिला लो, कम से कम 30-40 रन ज्यादा ही हो जाते। बहुत देर पहले इनको दोनों तरफ से सीमर स्टार्ट करवा देने चाहिए थे, जब 120-130 रन रह गए थे सब पता लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, स्ट्रेट सीमर्स के ओवर करवा लें, अगर विकेटें निकली तो बचत हो जाएगी, फिर स्पिनर को भी आप कोई एडवांटेज दे देते हैं कि यार चलो कुछ तो 20-25 बॉलों का फर्क है तो शायद ये लोग कुछ कर जाएं। लेकिन उस टाइम पे भी स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, वो 2 हाफ ट्रैकर पर चौके खाते हैं, हर ओवर में एक चौका खाना जो है ना वो मस्त है। दूसरी बात ये है कि भाई राशिद का आखिरी ओवर जब इफ्तिखार खेल रहा था, 5 उसने डॉट खेली और आखिरी पे छक्का मारा या 5वीं पे छक्का मारा फिर आखिरी डॉट खेल लिया, नबी को तो एक शॉट भी ट्राई नहीं किया। एक किया था ना जिस पर कैच हुआ, कैच हुआ नहीं, सऊद शकील वाला सऊद नहीं, वो तो शॉट भी नहीं मार रहा था, वो तो सिर्फ उठा रहा था कहीं इस तरह से, वो तो सिर्फ बिल्डिंगों के बीच में क्रिकेट खेलते हैं ना कि इधर मारो तो दीवार पे लग के उधर आ जाएगी, 2 रन भाग लेंगे, मेरे ख्याल से वो ये समझ रहा था। हालांकि उससे पहले उसने रिवर्स स्वीप पे चौका मारा, और जब रिवर्स स्वीप पे चौका मारा तो उसने फील्ड पोजीशन चेंज की है, सुकून से खेलना चाहिए था। अच्छा, जो पुराने जो बाबर और रिजवान और उससे पहले अब्दुल्ला शफीक ट्राई नहीं किया नबी को,
नबी तो मुझे लग रहा था सईद अजमल है, सकलेन मुश्ताक है, क्या उसमें नबी का जो सीन है वो हमेशा करता है पाकिस्तान के खिलाफ। छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं यार, आप ट्राई करो एक यार, जब लाइन बिगड़ेगी तो खुद ही सिर्फ और सिर्फ वो विद इन द स्टंप्स बॉल करता है जो हमारे बॉलर नहीं करते। अच्छा आज मुजीब को सही अटैक किया तो मुजीब से पूरे ओवर भी नहीं करवाया, 8 ओवर में 55 रन दिए हटा लिया, वो दूसरा नूर अहमद आ गया ना हमारे लिए। नहीं मैं कह रहा हूँ नबी पे आज जो है उन्होंने कहा कि चलो यार आज जो है ना नबी को एक अच्छा स्टार्ट वही ना, आपने ये सोच किया कि मुजीब को हम अटैक करेंगे और किसी को नहीं करना था, सीधी सी बात है, उन्होंने साथ नबी के वो निकाल लिए। अभी एक और जबरदस्त चीज थी, अच्छा आप लोगों ने डेफिनेटली नोटिस की होगी, वो थी इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, खूबसूरत भागे हैं लोग, ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन भाग रहे हैं, लैंगर और जो है वो डेमन मार्टिन भाग रहे हैं। रहमत शाह हारिस रऊफ को जब फ्रंट फुट पे आके ब्लॉक कर रहा था तो मुझे शोएब राहुल द्रविड़ याद आ गया जब वो शोएब अख्तर को फ्रंट फुट पे आके ब्लॉक करता था। वो टेम्परामेंटली इन लोगों ने आज जिस तरह आउटप्ले किया है ये अफगानिस्तान टीम ही अलग थी, ये हमेशा बैटिंग में टेम्परामेंट से हारते थे, ये जल्दी के चक्कर में आउट होते थे, आज इन्होंने एक एरियल शॉट नहीं खेला अननेसेसरी, जो शॉट इन्होंने खेला पक्का वो बिल्कुल सामने खेला, कंप्लीट क्रिकेटिंग शॉट मारे, कोई क्रॉस बैट शॉट नहीं। अच्छा मुझे ये भी लग रहा था कि जिस तरह हम बड़े कॉन्फिडेंट थे ना 282 चेस नहीं हो पाएगा, इस तरह पाकिस्तान टीम भी जब फील्ड में उतरी ना तो वो शायद ये इमेज लेके आई थी कि ये खुद ही टेढ़े मेढ़े शॉट मार के आउट हो जाएंगे, और उन्होंने आज जो है ना दिखा दिया कि हल्के में लेकर बहुत हल्के में ले लिया था कि मीडियोकर बॉलिंग है आपकी भाई, आप टेढ़ी मेढ़ी बॉलिंग करते हो, हारिस रऊफ फिर 17 रन खा गया, आज तो उसने अच्छी बॉलिंग की ना, पहले ओवर में 17 लिए, पहले वरना 24 दिए थे। पावर प्ले में आप उसको ओवर नहीं दे, उसका जो मेंटर है आकिब जावेद साहब जो है उनके जो मेंटर हैं वो खुद कह रहे हैं कि इसको पावर प्ले में आप ओवर देंगे 16-17 ही खाएगा, 50 ओवर के बाद कराना चाहिए सब। आकिब भाई तो अपनी लॉजिक लगाते रहते हैं, वो तो ये भी कहते थे ना कि हारिस रऊफ और शाहीन और जमान के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए, नसीम शाह को तो किसी गिनती में नहीं लेते थे, 30 ओवर में 30 ओवर में मैच खत्म होता अगर जमान खान होता ना यहाँ पे इन लोगों के साथ, अरे जमान खान बेहतर है नसीम शाह से, ये भी बोला था उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली स्टेटमेंट, और मुझे अच्छी तरह याद है T20 वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज पे एम्फेसिस किया था कि हारिस को नई बॉल से ट्राई करना चाहिए, मतलब ट्राई करने के लिए यही स्टेज रह गया है, जिसने कभी जिंदगी में नई बॉल से बॉलिंग नहीं करी, नई बॉल से बॉल क्यों कराता है यार बॉलर, अब तो मुझे लग रहा है हारिस का भी लास्ट स्टेज है। हाँ टर्मिनल चीज से ही लग रहा है उसका भी, अब मुझे नहीं लगता है ओडीआई में यार कुछ वो नहीं, कोई कंट्रोल नहीं बॉलिंग पे, कोई स्किल ही नहीं नजर आ रहा उसका। देखें हमारी टीम में माजरत के साथ जो अगर कोई बॉलर है इस वक्त टीम में तो वो सिर्फ शाहीन आफरीदी है जो एक डिसेंट बॉलर है, ठीक है, उसको भी हमने वसीम अकरम बना दिया या उसको भी हमने क्या कहते हैं कोई ट्रेंट बोल्ट से मुकाबला करेगा उसका, कोई मोहम्मद आमिर से मुकाबला करेगा उसका, उसका एक है स्किल, वो नई बॉल से अच्छी स्विंग करता है, अगर उससे विकेट नहीं मिले तो फिर उसके बाद उसकी 2-3 वेरिएशन है जो कि अच्छी हैं, लेकिन हमारी इस फास्ट बॉलिंग अटैक के अंदर कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो 6 की 6 बॉलें अलग अलग वैरायटी की अलग अलग तरीके से कर सके, अपनी विल पे बॉल को फेंकना कि मैंने यहाँ पे करनी है और वहीं पे हो। इनमें से सिर्फ एक ही बॉलर था जो इंजर बैठा हुआ, वो था नसीम शाह, वो मतलब मेरे ख्याल में वो आवाज़ दे के बोल सकता था कि यार यहाँ पे मैं बॉल करूंगा, उसकी वहीं से बाहर जाती रहती थी और वहीं से अंदर आती थी। तो यार वो कॉम्बिनेशन अच्छा था ना कि नसीम शाह को तो शुरू में रन ही नहीं पड़ते थे तो शाहीन अफरीदी जाता था विकेट्स के लिए, अब क्या होता है वो विकेट्स के लिए जाके रन भी दे देता है, विकेट नहीं मिल पाती है, दूसरे एंड से रन अलग लीक हो रहे होते हैं। हालांकि हसन अली जो है उसने डिसेंट बॉलिंग की है इस पूरे, उसने कमबैक अच्छा किया इस वाले मैच में भी, इस मैच में नहीं, हसन अली देखें डिसेंट बॉलर है और हसन अली का मसला बस वही है, हम जो हमेशा बात करते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी एक सर्टेन लेवल पे एजुकेशन और एक सर्टेन लेवल पे ग्रूमिंग होनी चाहिए जो उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करे कि हाउ दे हैव टू कैरी देमसेल्फ। आज भी हम देख रहे थे एक क्लिप, किसी दोस्त ने शेयर किया था मुझे कि वो जो उसमें म्यूज़िक वगैरह चलाते हैं मैच के बीच में, वो बाउंड्री पे खड़े हुए डांस कर रहे थे उसको, हसन अली, मतलब ये अगर आपका मेंटल लेवल है कि आपका फोकस इतने बड़े स्टेज पे आप खेल रहे हो, दुनिया की आपकी टॉप कंपेटिटिव टीम है, आपका इस मैच का इतना हाइप था जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के मैच का हाइप बना हुआ था, इस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान के मैच का हाइप बना था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार हमारा ये लेवल हो गया कि अब हम अफगानिस्तान के साथ इस तरह से कॉम्पीट कर रहे हैं। कम्पीट कर कहाँ रहे हैं, कम्पीट तो हमने किया ही नहीं, आज तो बिछ गए हैं हम लोग, आप ये देखें 286 हमारे, मैं बैटर्स को अभी भी बोलूंगा दे हैड डन देयर जॉब, स्पिन माठी खेलते हैं वो, लेकिन फिर भी उस हिसाब से 286
हाँ ना, अगर आप ये पार स्कोर था बिल्कुल, देखें ये टर्नर नहीं था, टर्नर पिच थी, स्लो टर्नर पिच थी, और जिस स्लो टर्नर के ऊपर राशिद खान और नूर और मुजीब, इन्होंने बहरहाल बहुत अच्छी बॉलिंग की, और नबी ने भी स्पेसिफिकली, नबी को तो हमने खुद रन नहीं दिए, रिस्पेक्ट कर रहे थे कि यार ये क्योंकि पेशावर से भी खेल चुका है ना वो, HBL से और पेशावर से खेल चुका है ना, रिस्पेक्ट से। वो याद आया, वो आपने शायद देखा हो जो तस्मे बांध रहा था, वो देखा था वो सीन? नहीं देखा वो बाबर आजम के तस्मे, बाबर आजम के तस्मे बांधने आए तो बाबर ने कहा नहीं नहीं करना, वो बेसिकली आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसने किया, तो बाबर आजम को थपकी दे के, तो वो मोहम्मद नबी को शायद उन्होंने, तो किसने तस्मे बांधे? खुद ही अपने खुद ही बांधे उसने तस्मे, उसने इसको दूर कर दिया क्या नहीं। लेकिन खैर एट दिस पॉइंट मैं इस बात से मुतमईन हूँ कम अज कम के बाबर आजम ने और रिजवान ने अपनी मर्जी से टीम चुनी, अपनी मर्जी से टीम खिलाई, और बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेसेंट थे ये वर्ल्ड कप में आने से पहले के, जैसे इनके लिए इट्स लाइक अ केक वॉक फॉर देम एंड दे आर गोइंग टू रन थ्रू द टूर्नामेंट एंड टीयर अपार्ट एवरी ओपोजिशन। और जहाँ जहाँ इनके वीक लिंक्स के ऊपर दुनिया बात कर रही होती थी, वहाँ वहाँ ये इस चीज़ को सुनने के लिए भी नहीं तैयार थे, डिनायल में थे ना, डिनायल में थे। तो ये एक इनके साथ बहुत अच्छा हुआ, और ये अच्छा हुआ कि ये इसी ग्रुप के साथ हारे हैं, ताकि इस ग्रुप से इस वर्ल्ड कप के बाद हमारी जान छूट जाए, क्योंकि बाबर रिजवान ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी इन द टीम, लेकिन ये मीडियोकर जान नहीं छूटेगी, लेकिन जान कैसे छूटेगी, जान कैसे छूटेगी साथ, ये तो सारे रहेंगे टीम में, कौन रहेगा नहीं रहेगा? मेरा नहीं ख्याल शादाब रहेगा, चलो उसामा रहेगा, उसामा का तो नवाज रहेगा, 3 महीना 13 महीने ये तीन गए, हारिस रऊफ भी आपको जो है वो ODI फॉर्मेट में अब नजर नहीं आएगा उस तरह से, जिस देखें आपके आपकी बॉलिंग, देखें बॉलिंग जो है ना पाकिस्तानियों की प्राइड है, अगर आपकी बॉलिंग अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी ना तो लोग नंगा कर देंगे आपको, सीधी सी बात है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बैटिंग हमें मैच हरा दे हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर बॉलिंग हमें मैच हराती है ना तो वो बहुत जोर से लगती है, और आज जो है बाबर के जो हालात थे ना वो जिस तरह से खामोश बैठा हुआ था लगी है। और ये बात बिल्कुल जो है ना गलत है कि डोमेस्टिक में बॉलर्स नहीं है, यार सारी टीम्स में बॉलर्स हैं, बॉलर लेफ्ट आर्म भी है राइट आर्म भी है, जाके सेलेक्टर्स देखेंगे तो बॉलर्स निकालेंगे, बॉलर्स वहाँ से पिक करके लाएंगे, तभी तो देखो ना ये अबरार का भी जो डेब्यू हुआ है टेस्ट मैच में, बहुत अरसे से कहा जा रहा था कि इसको खिलाएं इसको खिलाएं इसको खिलाएं, तो जाके बाद में खिलाया, और उसको जहमत भी नहीं की कि T20 या वनडे भी खिला दें और एक तैयारी कर लें, क्योंकि जहन था कि भाई शादाब ने और नवाज नहीं जाना है, 2 साल से जहन बनाया हुआ था यार, और कोई इसको चैलेंज भी नहीं कर रहा था। इंडिया के बारे में काशिफ भाई हम हमेशा ही कहते थे कि जब जब पाकिस्तान इंडिया आया है तो एक आध स्पिनर सोते से उठा के लेकर आता है, जरूरी नहीं है कि वो स्पिनर आपको 5 विकेट लेके दे, हो सकता है वो आपको 2 इंपॉर्टेंट विकेट लेके दे। 97 में हम लोग जब गए थे तो मोहम्मद हुसैन, 99 में मोहम्मद हुसैन को लेके 97 में था 99 में नदीम खान को लेके गए थे जो कहीं से कोई बॉलर नहीं है, एक अच्छा काम किया था उसने, रन आउट टेंडुलकर वाला रन आउट सही है। अरशद खान की वनडे के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं होती थी, मेरे ख्याल से 20 मैचों में 20 विकेटें होती थी उसकी, या 15 मैचों में 15 विकेटें थी, 2005 में उसको लेके गए, उसने 4 मैचों में 10 आउट कर दिए, ठीक है। तो अगर हम इस बेस पे बात करते हैं, और अरशद खान वॉज लाइक 36-37 एट दैट टाइम 2005-2006 में, सही है। फिर 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर जब हम इंडिया जाते हैं तो हमारे पास स्पिन में सिलेक्शन डिलेमा हो जाता है, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के पास इस तरह का डिलेमा हो कि यार हम एक फास्ट बॉलर कम करके एक इजाफी स्पिनर खिलाएं। पहले दिन से हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि यार इंडिया के अंदर स्पिनर नागुजीर है, आपके पास अच्छा स्पिनर होना चाहिए। आज अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर खिलाए, अगर वो एक फास्ट बॉलर और खिलाते ना तो 40 रन और ज्यादा होते और विकटें भी नहीं गिरी हुई होती। हमारे 3 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, और हो सकता है कि शुक्र है चलो उसामा मीर जितना भी है पाव छटाक का स्पिनर, लेकिन वो अवेलेबल था, वरना मोहम्मद वसीम को खिला देना था और ये 40 ओवर में मैच पूरा हो जाता। नहीं लेकिन नवाज को तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक कहानी बना के बीमार करवा दिया शादाब को खिलाने के चक्कर में। यार हमने कल वो तो बीमार ने फीवर निकल कहा था ना कि शादाब लाजमी खेलेगा, यू कांट कीप हिम आउट ऑफ द गेम, इतना देर तक ऐसे नहीं हो सकता है कि वो खेले ही ना, लेकिन और अब आज खेल गया है वो, देख ली उसकी परफॉर्मेंस भी देख ली, आज तो सभी खेल गए सही है। पर बहरहाल यार एक आध मैच वो जो कोच है ना हमारे अब्दुल रहमान, उनको भी खिला लेना चाहिए एक आध मैच, ताकि तसल्ली हो जाए। वो एक महसूस भी है ना हमारे जो मुछ वाले हैं, मलंग अली, मलंग अली वो 2000 मेरे ख्याल उनको कब से देख रहा हूँ, जब हम यूनस खान ने वर्ल्ड कप जीता था उससे पहले, उससे भी पहले मैंने उसको वो याद है मुझे, वो कलाबाजी लगाते हैं वो, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हम जीते थे ना 2007 वाले वर्ल्ड कप का,
एनीवेज खैर बात वो वाली बात पे वापस आते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग जब इस तरह से एक्सपोज हो रही है ना तो वो ज्यादा जो है ना अनबेरेबल है एक एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए वो हमने हमेशा डोमिनेट करते हुए देखा है और इतने मतलब यू नो एक कमज़ोर ओपोनेंट ही कहेंगे ना कि इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल में सक्सेस नहीं है उनके खिलाफ इस तरह से आपने वर्ल्ड कप में 280 रन चेज करवा दिए दो विकेटों पे और पूरे चेज में किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान गेम में आया इट वाज एंटायरली वन साइडेड इट वाज अ क्लिनिकल थंपिंग विक्ट्री वन साइडेड हराया इन्होंने पाकिस्तान को आज बैटिंग से और यार एक मुझे एक रिव्यू पे इतना गुस्सा आया यार आप उस क्लियर पता चल रहा है टीवी पे हद हो गई है यार मतलब सीरियसली बात मतलब शाहीन आफरीदी सही है अच्छी बात है आप उसके पे जान लगा रहे हो बॉलिंग में आज 143-44 भी उसने मारी लेकिन यार रिव्यू में मतलब रिव्यू कुछ एक जैसे पुराने जमाने में एक रिव्यू तो हफीज का होता था चाहे वो कितना भी प्लम एलबीडब्ल्यू को जाया करते थे अब इस टीम में शाहीन आफरीदी एक रिव्यू अगर रिजवान के अगर रिजवान कैप्टन बनता है ना तो उसका सबसे बड़ा मसला यही है कि वो पहले 10 ओवरों में वो दोनों रिव्यू फारे कर देगा अभी एक रिव्यू बाबर ने रोका है कि यार इसका कोई फायदा नहीं है चलो मैच के बाद फायदा हो जाएगा उसका कोई ना कोई अच्छा वो जो रिव्यू था ना वो ज्यादा बनता था लेकिन क्योंकि इतना वाहियात रिव्यू जाया कर दिया था ना जो लेग साइड से थाई पर टच होती हुई गई थी बाबर ऐसा था उसको भरोसा ही नहीं इन लोगों पे कि नहीं यार ये हो ही नहीं सकता ये बिल्कुल सही है ना देखें एक कैप्टन कैप्टन ने एक देखें ये लीडरशिप का एक मसला होता है बहुत बड़ा कभी कभी आप अपनी टीम को अननेसेसरी बैक करते हैं और एक मीडियोकर किस्म के प्लेयर को आप सुपरस्टार बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन आप उस वक्त ये नहीं समझ रहे होते कि आपकी रेपुटेशन और आपकी सक्सेस इसकी परफॉर्मेंस पे भी बेस करती है इट्स नॉट लाइक कि यार बाबर ये वर्ल्ड कप में 9 मैच खेल के 400 रन बना के आए तो हम कहें यार किसने रीजनेबल परफॉर्मेंस दी है ठीक है इट्स लाइक कि यार पूरी टीम को किस तरीके से उसने लड़ाया किस चीज़ को उसने कहाँ यूटिलाइज़ किया कौन से प्लेयर से क्या परफॉर्मेंस लिया उसने ये चीज़ जब वो नहीं कर पा रहा और जब उसको पता था कि ये चीज़ नहीं हो सकती तो आज मुझे नहीं लगता कि मेरे ख्याल से किसी को इस बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है बाबर शुड नो कि यार इट्स ओवर फॉर हिम नाउ ही डग द ग्रेव फॉर हिमसेल्फ एग्जैक्टली ठीक है उसने अपनी कब्रें खुद खोदी हैं कि अच्छा ये 11 में कौन कौन से लोग जाएंगे आज आज अगर इंडिया से मैच होता तो क्या वो 3 स्पिनर्स खिलाते सवाल ही पता नहीं होता रोहित शर्मा हाल ही क्या करते हैं कभी भी नहीं खिलाते दैट मीन्स के देखें अपोजिशन को भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का दूसरी टीमों का पता होता है पाकिस्तान की जो जो स्पिन पे जो वीकनेस है ना जिस पे ये सरकम इंस्पेक्ट हो जाते हैं जैम्पा के खिलाफ जिस तरह से मैंने देखा पूरा बना बना मैच दे दिया और यहाँ पे भी नबी को यार बस ये है कि यार अटैक ही नहीं किया आपने ट्राई नहीं किया 3 ओवर में 7, 4 में 9, 5 में 8 ओवर में पहली बाउंड्री मारी है साउथ शकील ने नबी को उससे पहले एक ही बाउंड्री ली मुझे रिवर्स स्वीप वाली नहीं एक उसने कट भी मारा था अच्छा खेल रहा था उसके 40 रन जो थे वो 33-34 बॉल्स पे जब से छक्का भी मारा हमारा के बाद 30 बॉलों पे 9 रन बाबर आजम जब आए थे क्रीज पे तो 5.9 का रन रेट था और जब ये गए हैं 30 ओवर बैटिंग करने के बाद तो 4.5 रन पर ओवर पे थे हमको विकेटें भी गिरी थी साथ में विकेटें गिरी थी साथ लेकिन में। वहां पे उसका रोल बहुत अच्छा खेल के गया था 4.7 लेकिन अच्छा चलें अब इस पे मैं आपको एक इसका जो है ना एक इसको लेना फ्लिप साइड देखते हैं जरा इसकी हम देखते हैं एक तरफ पिछले कुछ मैचेस में से इसकी जो है ना कुछ कंपैरिजन निकाल लेते हैं विराट कोहली की बात कर लेते हैं आज विराट कोहली के साथ खेलने वाले जब दो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो ज्यादा स्ट्राइक कौन लेता है विराट कोहली आज बाबर आजम और साउथ शकील बैटिंग कर रहे थे इनकी मेरे ख्याल से कोई 40 रन के करीब की कोई पार्टनरशिप लगी है उसके अंदर 80% बॉल्स साउथ शकील ने फेस की हैं और जो रन बनाए हैं वो भी उसी ने बनाए हैं और सही कह रहे हो और रिजवान के साथ भी जो खेला है ना उसमें भी 20 बॉलों में से 15 बॉलर रिजवान ने ही खेली है यानी कि जब वो आउट हुआ है तो लेकिन इसमें जो है अगर आप देखें साउथ शकील का जो एक मसला हो रहा था मैं वो सिंगल लेता था बाबर और साउथ शकील डॉट खेल लेता था वो सिंगल लेता था और साउथ शकील डॉट खेल साउथ शकील के 20 बॉलों पे 9 रन थे अच्छा अगर वो डॉट खेल रहा है अगर वो डॉट खेल रहा है या फॉर एग्जांपल वो नूर अहमद की बॉल पे फंस रहा है तो क्या बाबर आजम नूर अहमद को फेस करके प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था उस पॉइंट पे जब हम लोग वो रन वैसे एक बात बताएं ऑस्ट्रेलिया इंडिया के चेज में हमने ये बात की थी कि कोहली ने 3 आउट होने के बाद राहुल को बॉल फेस नहीं करने दी उसने पहले प्रेशर सारा अपने ऊपर लिया राहुल को ईज किया
उसके बाद उसने राहुल को एक्सपोज किया. दैट्स वाई वो 85 राहुल के 97 से ज़्यादा एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. पता नहीं हम पता नहीं कि बाबर के बाद कोहली के बगैर क्यों नहीं कर सकते. लेट्स नॉट डू दैट क्योंकि कोई फायदा नहीं है. कोहली के साथ तो कंपेयर वो आप जो रूट को भी करेंगे जो रूट यार पच्चीस मैच हो गए कोई एक मैच चेस का निकाल लो जो कोई और टीम जीती हो उसके ऊपर बात कर लेते हैं. नहीं मैं तो ये कहूंगा ना साथ के देखो विराट कोहली की जो गेम अवेयरनेस है ना उसका तो कोई मैच ही नहीं है ना. उसका कंपेयर करने का फायदा नहीं. बट बाबर को क्या करना चाहिए था उसकी बात करते हैं. और जब वो 72 की इनिंग खेल कर गया तो हमें वो लग रहा था. अच्छा एक बात समझ में नहीं आई मुझे. एक बात समझ में नहीं आई जब शादाब ने अच्छा खासा टाइम बाय कर लिया था तो वाई शादाब वाज नॉट हिटिंग. ही वाज ट्राइंग लग नहीं रही थी उसकी यार तो आउट होके जाए बाबर को तो मतलब मुझे वो था कि यार इफ्तिखार आया 41st या 42nd ओवर में ना और उस वक्त सिर्फ 48 बॉलें रह गई थी 50 बॉलें रह गई थी उसमें से जिसमें उसने 30 बॉलें के लिए शादाब से एंड में भी नहीं लग रहा था. शादाब को तो खैर भेजा गया था जो टैक्टिक थी जो सही था कि यार चलो थोड़ा सा निगेट कर लो स्पिन को और आप चल मतलब उसकी जगह इफ्तिखार आता ना तो उसी ओवर में आउट हो जाता स्पिन इतनी हो रही थी इस वजह से शादाब को. उन्होंने बाबा ने खुद ही बोला है 280-290 वाज देयर टारगेट कि उन्होंने इतना ही करना है और वो उन्होंने अचीव कर लिया और वो इतना टारगेट था कि फिर के बाद ये हो गई ना कि हम समझ रहे थे कि 280 हम अफगानिस्तान को पकड़ लेंगे. 285 बनाया था बॉलिंग को अगेन ओवर एंड ने और 140 पे आउट कर दिया था. न्यूजीलैंड जितना डिसिप्लिन तरीके से बॉलिंग करते हैं और इस वक्त सबसे अच्छी मैट हेनरी ही बॉलिंग कर रहा है नई बॉल से ठीक है ना. तो गुरबाज ने छक्का मारा था मैट हेनरी को अगली बॉल पे बोल्ड कर दिया था क्योंकि जिस तरह से वो राइट चैनल में बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह फिर सैटनर ने भी आउट किए और सब ने तबाही फेर दी. फिर फर्गुसन यार आप जगह पे बॉल करेंगे फर्गुसन तो आते ऑडिट शुरू कर देता है. फर्गुसन जो है हाँ उसने एक दो चले भले वो रन्स के लिए भी जाते हैं लेकिन वो आउट करता है. हमारे हारिस भाई तो 17-18 उसको, उसको उसको रन्स देने के लिए ना बैट्समैन को फिर भी कुछ मेहनत करनी पड़ती. हारिस राव की तरह नहीं हल्का सा बल्ला लगाते हैं वो चौका हो जाता है. वो सिर्फ पैसे लगता है बल्ला रखते हैं और वो चौका हो जाता है. कुछ भी नहीं करना होता उनको जरा मेहनत नहीं करवाता. यार गुरबाज और इब्राहिम बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था ड्रेविड और सहवाग बैटिंग कर रहे हैं. पॉइंट ये है को कहीं से उन्होंने कोई इस तरह का शॉट नहीं खेला जिसपे लगाओ कि यार ये शायद थोड़ा फील्डर पीछे होता तो कैच हो जाता शायद ये स्वीपर ले लेते तो कैच हो जाता या ये बाउंड्री रुक जाती. भाई 5 फील्डर ऑफ पे लगा के अगर वो गैप में शॉट निकाल रहा है आपको तो मतलब यार दे कम्प्लीटली आउटप्लेड. आप ये देखेंगे उनको उनको भी पता था कि इनकी बॉलिंग वीक है. इनके स्पिनर्स को हमें कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं, नहीं पता कि हमारी बॉलिंग वीक है बाकी सारी दुनिया को पता है काशिफ भाई. उनको ये पता है कि रिस्क लेने की जरूरत नहीं है. दो बॉलें खुद ही गंदी देंगे उस पे हम शॉट मार लेंगे. अच्छा हमारे पास आज लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं था ना नवाज तो कोई है टीम में जो लेफ्ट आर्म स्पिनिंग करता है ऑफ शकील करता है ना. यार यही एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है. क्यों नहीं कभी हम ट्राई करते हैं किसी को. फिलिप्स को वो ले आता है बीच में दो विराट कोहली भी था पहली बॉल भी विराट कोहली ने चौका मार दिया. ट्राई किया ना ट्राई तो करें ना. जब वो रफ अगर है ऑफ स्टंप के बाहर तो नवाज भी नहीं है तो कोई तो आप ट्राई तो करें ना. वो कौन से कम रन दे रहे थे दोनों. यार आप साउथ शकील की बात कर रहे हैं वो तो शुगर करे इफ्तिखार का कोटा खत्म हो गया था ओवर्स का वरना उसने 5 आउट कर दे रहे थे. इफ्तिखार ने तो यार जो भी बॉलिंग करनी थी वो तो कर ली. मैं तो ये कह रहा था कि कम से कम ना डिफरेंट ऑप्शंस पे जरूर जो है ना यही तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. असल में मसला ये है ना कि इफ्तिखार का 5 ओवर का कोटा था इसलिए वो खत्म हो गया. बाबर के पास जो ऑप्शन होते हैं उनको सही से इस्तेमाल नहीं करता उसने. नहीं यार ये एक और ऑप्शन को कहां से लेकर आना. अच्छा मतलब बाद में अच्छी बात है कि चलो आप ट्राई कर रहे हो विकेट लेने के लिए लेकिन जब आपको पता है कि दोनों स्पिनर जो है वो स्पिन नहीं कर रहे हैं बॉल तो फिर फास्ट बॉलर से ही बॉलिंग करवा लेते. खैर उस वक्त तक मैच वाज जब टोटली गॉन लेकिन 110-120 रन रह गए थे. इसको चाहिए था दोनों तरफ से पेसर्स को ले आए बिकॉज हमें विकटें वही लेकर दे रहे हैं जो इक्का दुक्का विकटें लेकर दे रहे हैं. होगा ना 48वां कौन कराएगा 47वां यही मसला है ना. वो तब तक तो मैच ही खत्म हो गया था भाई. रन बॉल मैच में वापस भी फास्ट बॉलर नहीं ला. अच्छा एक विकेट स्पिनर ने ली आउट भी दो किए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ. और उनकी भी दाद देनी है कि उन्होंने भी कहा था कि इनको जो है ना वो मारेंगे नहीं एंड में जाके बस आखिरी टीका लगाएंगे और आखिरी ओवर में जीतेंगे. वो तो आखिरी ओवर में ही जीते. वो तो फुल टॉस दे दी शाहिन ने एंड तक थोड़ी उम्मीद. ये रहमत और शाहिदी तो मैच बॉल पुराना करने के लिए रखा हुआ इनको टीम में. इन दोनों ने इतना जबरदस्त खेला और ये तो हर जगह पे जो है ना 15 में 34 न्यूजीलैंड के खिलाफ ये दोनों खेल रहे थे ना जो बहुत ही स्लो खेल रहे थे. चले खैर अब ये तो एक गेम की बात हो गई ना कि गेम में ये हुआ वो हुआ. गेम की बात तो सारी अपनी जगह. एक चीज़ जो हम शुरू से जिस चीज़ पे एम्फेसिस कर रहे हैं वो हमारे यहाँ जो फंडामेंटली चीज़ें गलत हैं जब तक वो सही नहीं होंगी तब तक ये चीज़ कैसे दुरुस्त हो सकती है. मतलब ये कि
अगर आपको इन्फेक्शन ठीक करना है तो आपको एंटीबायोटिक लगानी पड़ेगी भाई, उसके बगैर आप कैसे सही करेंगे। हमारे यहाँ प्लेयर्स को ब्रांड बनाने के चक्कर में सोशल मीडिया ने बाबर आजम को किंग बना दिया, वो ऐसे करेगा वो वैसे करेगा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन लोगों को जो है ना सर पे चढ़ा लिया था सबने। जिस किस्म की कवरेज, जिस किस्म की लाइमलाइट इन लोगों को मिलती है, ये अर्नड नहीं है, दे हैव टू अर्न इट। हमने बहुत सस्ते में इन लोगों को ये सारी चीज़ें दे दी आवाम ने, क्योंकि ठीक है चले एक तरह से देखा जाए कि यार हमारी पब्लिक भी वी हैव बीन इन अ ड्रॉट फॉर अ लॉन्ग वाइल के उसके बाद हमें इस तरह की कोई चीज़ मिली, लेकिन हमने यार उसको बहुत ज़्यादा ओवररेट किया हर लिहाज से। जिस किस्म का एक्सप्लॉयटेशन इन लोगों ने किया है, इस तरह के लोगों के साथ जो इनको पसंद करते थे, सिस्टम के साथ जो सिस्टम इनको बैक करता था, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने इस तरीके से हैंड ट्विस्ट करके पीसीबी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स इनेबल किए उस तरह के। फिर दुनिया की हर लीग के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं, एक जगह 100 गन एक पाकिस्तान में 50 बना रहे हैं, अगले दिन जाके वो 100 में दूसरे मुल्क में 50 बना रहे हैं। लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम जो कि आपकी गेम की प्राइड है, T20 वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंस वनडे वर्ल्ड कप जितनी नहीं है, वनडे वर्ल्ड कप इज़ हिस्ट्री, T20 वर्ल्ड कप इज़ नॉट हिस्ट्री। उसके स्टैट्स उसके रिकॉर्ड्स किसी को नहीं याद, इसकी एक लेगेसी है, ये एक ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट है। जब आपके प्लेयर्स की इस तरफ नहीं होगा फोकस और वो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे सिस्टम को, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, इसका तो रिजल्ट कुछ नहीं होगा। देखिए इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं ना आप, इन्फेक्शन एंटीबायोटिक तो बड़ी दूर की बात है, पहले तो आइडेंटिफाई तो करेंगे इन्फेक्शन। इन्होंने आइडेंटिफाई करते करते इन्होंने आधा वर्ल्ड कप निकाल दिया कि इन्फेक्शन कौन सा है और किस कहाँ एंटीबायोटिक लगानी है इनको। और जहाँ तक इनको लाइमलाइट देने की बात है, आई थिंक बाबर आजम को बहुत रन बनाने के बाद लाइमलाइट मिली है, शाहीन आफरीदी को 70 विकेटों पे लाइमलाइट मिल गई, हारिस रऊफ को आपने सिर्फ आपने लाइमलाइट नहीं दी, पूरी दुनिया ने दी, क्योंकि सडनली वो जो पीछे हमारा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप आया ना, एक तो 21 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप, उसमें वी वर बॉलिंग रियली नाइसली T20 के वर्ल्ड कप में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप आया, ऑस्ट्रेलिया का वो पता है जब ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई अच्छा परफॉर्म करता है, हमारा बॉलिंग अटैक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, सडनली वो एक्सप्लोड किया। आप अभी एंडोर्समेंट्स देखें, हर एंडोर्समेंट में हारिस रऊफ है या शाहीन आफरीदी है या बाबर आजम है। बाबर आजम का चले मैं फिर भी मान लेता हूँ, क्योंकि 5000 रन बनाना इज स्टिल अ बिग फीट, बहुत कम उन्होंने। इसमें मेरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, देखें दुनिया में ना जो भी स्पोर्ट्स होते हैं किसी भी मुल्क में, उसमें जो भी वहाँ के स्टार्स होते हैं, चाहे वो स्टार्स हों सुपर स्टार्स हों, वही एड्स में आते हैं, वही सोशल मीडिया पर आते हैं। हमारे पास हॉकी तो अब ख़त्म ही हो गई है, तो स्टार्स स्क्वाश है नहीं, तो यही 6-7 स्टार्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको अगर इनको हाइप नहीं दी जाएगी तो किसको हाइप दी जाएगी, बात ये है कि परफॉर्मेंस करनी चाहिए। लेकिन देखें घूम फिर के जो सवाल आता है ना, इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो पीसीबी है हमारा, उसका एक साल सवा साल में 3 चेयरमैन चेंज हुए हैं, दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता है। जब तक एक इदारा ठीक नहीं होगा, जब फॉर एग्जाम्पल जो भी लोग जॉब्स करते हैं उनकी कंपनी में एक साल में 3 CEO आ जाएँ, तो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेके आएगा, दूसरा डिफरेंट स्ट्रैटेजी, तीसरा डिफरेंट स्ट्रैटेजी, उसका एक अपना सेट ऑफ पूल होता है। इंजमाम सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनते हैं तो फौरन फहीम अशरफ 2 साल के बाद वापस आ गए, आए एशिया कप में खेले 2-3 मैच फिर निकले। हर प्लेयर हर कप्तान, देखें इस बात वही है कि चेहरे ने निज़ाम बदलने की बात है ना, कि जो भी आ जाए, प्रॉब्लम ये है कि अपना सेट ऑफ पूल का जो प्लेयर्स का है ना वो हर कोई लेके आता है, इसको ठीक करने की जरूरत है। ये प्लेयर्स तक तो बाद में, अच्छा ये बोर्ड स्ट्रांग होता तो ये करते इस तरह की हरकत, मतलब ये देखें 4 साल 3 से 4 साल जो रमीज राजा का 2 साल का रहा, आई थिंक टेन्योर, उससे पहले एहसान मानी का टेन्योर था, वो कंपैरेटिवली स्टेबल था, उसी के अंदर हमने इनको स्टार बनाया। वसीम खान आते हैं, वसीम खान आके सरफराज को कप्तानी से हटा देते हैं। हाँ भाई, कप्तानी से जिसको हटाना है हटाएं विदाउट एनी रीजन। मैं सरफराज को यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि मनमानी करके हटा दिया ना, कि इसको हटाना है और उसके लिए सब जगजा हो गए। और सबसे पहले तो जो टेस्ट कैप्टन बने थे वो अजहर अली बने थे ना कुछ अर्से के लिए, और अजहर अली जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी वजह से मुझे उनसे कुछ मामलात में मसला है, कि उन्होंने कहा कि वासु ने मैं लॉन्ग टर्म के लिए बनाऊं, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहा हूं। तुम्हारा कल अपना खुद का पता नहीं है तुमने कि तुमने कितना खेलना है, तो ये जो अश्योरेंस थी ना कि उसको कहा गया था, अब आप कितने लॉन्ग कितने मैचेस में कप्तानी, क्योंकि अजहर अली ने मुश्किल से 8 मैचेस 6 मैचेस, उसके बाद बाबर के लिए स्टेज सेट हो रहा था कि अजहर अली को हटाना आसान है, लाना बाबर को ही था।
बात लंबी हो जाएगी, ये मुद्दा बोर्ड ने क्या एश्योरेंस देनी है, बोर्ड को अपना कुछ पता नहीं होता, बोर्ड आता है सिर्फ, अब उनको अपने टेन्योर का नहीं पता कितने महीने चलना है उनका, उन्होंने क्या डिसीजन लेने क्रिकेट के लिए? ये सारी बातें अपनी जगह हैं। आतिफ भाई, काशिफ भाई, आप दोनों दोस्तों से एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, नेशनल प्राइड, हम एज अ पाकिस्तानी, मैं एज अ पाकिस्तानी, आई फील प्राइड एंड इट्स माई प्राइड टू बी अ पाकिस्तानी, वेर एवर वेन एवर समबडी इज रिप्रेजेंटिंग कंट्री, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ईगो, इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ मनी, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एनी लाइमलाइट, हाइप और एनीथिंग। अगर किसी छोटी सी चीज़ के अंदर भी अगर हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम उसकी प्राइड को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील नहीं कर रहे, तो फिर ये किस बात के स्टार्स हैं? मिकी आथर को भी जब निकाला था तो वो भी गलत निकाला था, वो उस वक्त उसने बाबर आजम की सूरत में, मैं एक बैट्समैन भी दिया था, सरफराज के साथ उसकी एक बॉन्डिंग और पूरी एक टीम का एक सिस्टम था, पूरा बहुत सिस्टम था, सक्सेसफुल सिस्टम, रोते हुए गया था वैसे मिकी आथर बिल्कुल। अब जब एक सिस्टम को आप चलते चलते सिर्फ इसलिए कि यार हम एक नया जो टोला आना था उस उन्होंने इसको कप्तान बनाना है इसको यू नो, और फिर रोटी गैंग और ये सारी चीज़ें फिर तभी होती हैं जब आपको इतनी ज़्यादा पावर जो है मिल जाए सारी चीज़ों में। जिस तरह से मिसबा को सिलेक्शन कमेटी, बैटिंग कोच, हेड कोच सब बना दिया, वकार के अंडर, वकार उनके अंडर है, वकार यूनुस बस वजीर आजम बनना रह गया था, वो बाकी सब बन गया, मतलब पूरी सल्तनत आपने मिसबा के बिल्कुल पैरों में रख दी। और अभी जो एक प्रोग्राम में मिसबा से बात हुई ना कि हफीज ने छोड़ दिया, आपने क्यों नहीं छोड़ा जब आप कह रहे हैं कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं यार, बात खत्म है। ये सारे ये बात नहीं करनी चाहिए यार, फिर नेशनल प्राइड और फिर ये वो उसको दे डोंट क्लेम टू देमसेल्फ के यार ये नेशनल फ्लैग कैरियर है। देखें अब कहाँ पे इन तमाम सब आते हैं, वो क्लेम करते हैं मुझे इतने पैसे चाहिए, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, अपने मर्जी के प्लेयर लेकर आएंगे वो। अब पता नहीं इसके अब बाबर के बाद क्या सोच रहे हैं, बैक एंड पे बाबर के क्या चल रहे हैं, वी डोंट इवन नो दैट, एंड हम लोग विश करते हैं कि बाबर का करियर वेस्ट ना हो क्योंकि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान का एक बड़ा सिलेक्शन कमेटी में जब मोहम्मद वसीम होते हैं, वो लैपटॉप वाले साहब जो हैं, एक वसीम खान अलग हैं, वो तो मोहम्मद वसीम, वो आके कहते हैं कि इमामुल हक रेड बॉल का प्लेयर है ही नहीं, इमामुल हक रेड बॉल का प्लेयर नहीं, पिंक बॉल का प्लेयर है, वो वाइट बॉल का प्लेयर है। अच्छा। तो रेड बॉल में उन्हीं के होते हुए क्योंकि बाबर ने कहा था तो वो टीम में आ जाता है और फिर वो कंटिन्यूस अभी टीम में है और उनके हिसाब से वो रेड बॉल का प्लेयर नहीं है, नहीं है। तो ये जो इतने मुतजाद, जो इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाले बयान ये देते हैं ना, और कंसिस्टेंसी है नहीं अभी तो यही नहीं पता, दुनिया इसीलिए तो मजाक उड़ाती है, हंसती है और सही कहती है ना कि कंसिस्टेंसी ना मुल्क में, ना किसी इदारे में, ना सिस्टम में, तो इस वजह से ये सारी जो बिगाड़ की सिचुएशन है ना, आप बताएं मुझे रोहित शर्मा इतनी मनमानी कर सकता है, दुनिया के सबसे बेहतरीन टीम का कप्तान है, मनमानी कर सकता है? देखिए अगर मनमानी करें भी ना यार, तो विराट नहीं कर सकता, विराट कोहली नहीं कर सका मनमानी, ये रोहित शर्मा क्या नहीं कर सकता? देखिए ये सिस्टम की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये होना चाहिए कि कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं करनी चाहिए ना, यहाँ पे तो भाई लड़ झगड़ के उसको रखवाया, उसको वाइस कप्तान जबरदस्ती बनवाया है। चलें चलें ये काशिफ भाई, ये बात आपकी सही है कि सिस्टम हमारा, हमारी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा वीक है, मैं तो सिस्टम के वीक या स्ट्रॉन्ग होने की बात ही नहीं कर रहा ना, आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट द नेशनल प्राइड, वो कहाँ गई? आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग मुल्क के 240 मिलियन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप नेशनल फ्लैग अपने सीने पर लगा के नेशनल एंथम पढ़ने के बाद ग्राउंड में उतर रहे हैं। देखें मैं मानता हूँ इस बात को कि इट्स अ स्पोर्ट, ये कोई वॉर नहीं है, ये कोई वो नहीं है, इट्स जस्ट अ स्पोर्ट एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी को बी लिटिल करें। आपकी जो ऑपोजिशन है एज अ नेशन, एवरी नेशन इज रिस्पेक्टेबल, वेदर इट इज़ अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, वट एवर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, जब वो लोग अपनी टीम के लिए खेलते हैं, जब वो लोग अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, तो उनके पास एक अलग एक जज्बा अलग होता है उनका, उनका एक पूरा एक ओवरऑल जो एक एप्टीट्यूड होता है वो अलग होता है। हमारे यहाँ ये किस किस्म का एप्टीट्यूड है यार, डेरेन सैमी टूटी फूटी टीम लेकर बगैर स्पॉन्सर के, बगैर किसी चीज़ के T20 वर्ल्ड कप जिता के आ गया ना, वो बहुत ही कोई एवरेज किस्म का प्लेयर था डेरेन सैमी, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर तो नहीं था ना यार, और उस टीम के अंदर कितने उसके, वो लैंडल सिमल्स याद है किसी को, उसके बाद कहाँ खेला है वो, दो सेमीफाइनल और फाइनल में उसकी बारी याद है आप लोगों को? और डेरेन सैमी की उसी टीम ने इंडिया को इंडिया में सेमीफाइनल हराया, यस, और फाइनल में ब्रैडफोर्ड के चार छक्के, यस। इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग टीम को, अच्छा जब आप नेशनल प्राइड ले रहे होते हैं ना,
तो आपका एटीट्यूड अलग होता है। देखिए मैच जीतना हारना एक अलग बात है, अफगानिस्तान आज बहुत अच्छा खेला, मैं इस चीज की बात ही नहीं कर रहा। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस पॉइंट टू हैपन, क्योंकि हमें पता था ये कि जिस नियत से या जिस सोच के साथ हमारी टीम चल रही है पिछले 4-6 महीने से, दिस वॉज सपोज टू हैपन। ये तो एक था एक्सपेक्टेड, बबल था जो फटना था ये हमें पता था। क्यों? इसमें इनकी स्किल और कैपेबिलिटी का मसला नहीं है, यहाँ पे मसला ये है कि आपने जो आपकी नेशनल प्राइड है ना उसको आपने किया एक तरफ, आपने कहा यार ये मुझे पसंद है तो ये होगा। देखिए नेशनल प्राइड की बात की पिछले प्रोग्राम में, याद होगा जोएल गार्नर का एक मैंने तुम्हें बताया था कि यार जब रेड कैप पहनी हमने, मरून कैप, तो फिर पैसे और ये सारी अहमियत खत्म हो गई और मुल्क और जो उसका जो मफाद है और उसके लिए सब एक हो गए। सही है। अच्छा जब इंटेंशन खराब होती है ना तो आपके फैसलों में बरकत नहीं आती। बिल्कुल। और ये हमेशा याद रखेगा कि अगर इंटेंशन नहीं है ठीक और आप समझते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम जो है उसकी जो भी बिलीफ सिस्टम है आपका ना कि इस तरह से मैं अपने दोस्तों यारों को टीम में डाल के चला लूँगा और ये एक्सपोज भी नहीं होंगे और सब चल जाएगा, उसमें कभी भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। सीधी सी बात है ना, देखें आपने बोला नेशनल प्राइड का, सही बात है कि जब आप मुल्क के लिए फैसले करेंगे तो आपको अपने इंटरेस्ट बियॉन्ड रख के बात करनी है। मनमानी में भी कोई मसला नहीं, इमरान खान ने भी मनमानी की थी, वो भी करता था, वो भी अपनी मर्जी के प्लेयर लेकर आता था टीम, उसने मैच उसने भी जितवाए हैं, आपको वर्ल्ड कप उसने भी जितवाया है। लेकिन जब आप एक प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप क्रिकेटिंग आई से कर रहे हैं या अपनी पर्सनल किस क्या सोच के कर रहे हैं, दोस्ती पे कर रहे हैं या आप अपनी एक आपकी जो क्रिकेटिंग सेंस है उस पर कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मुल्क के लिए अच्छा होगा या ये मेरे लिए अच्छा होगा, मैं इसको खुश करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, ये इंटेंशन है ना। डिसीजन तो ना आउटकम है, देखो डिसीजन तो बेसिकली गलत हो सकता है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, बात वही है ना, इंटेंशन की बात है कि आप अगर क्रिकेटिंग आई से बात करें, सिर्फ क्रिकेटिंग सेंस जितने भी अल्लाह ताला ने आपको दी है उस बेसिस पे आप डिसाइड करें और अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो फिर भी आपको फेयर लगता है। लेकिन जब बात आती है ना दोस्ती यारियों की, कि आप जो है सिर्फ उस बेसिस के ऊपर डिसाइड करें, तो फिर आपके जो आंखों पे चश्मा भी चढ़ जाता है, मीडियोकर प्लेयर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, इमाम उलग जो है आपको गिलक्रिस्ट लगेगा और शादाब खान जो है आपको शेन वॉन लगेगा और आपको लगेगा नवाज जो है वो आपका मैच विनर है। तो बस जब निकालने की बात आएगी तो आप कहेंगे यार 49 का एवरेज है, 10 सेंचुरी है, भाई सिर्फ स्टैट्स के ऊपर तो गेम नहीं चलती है ना, कंडीशन और आपकी जो गेम अवेयरनेस है और आपने किन कंडीशंस में वो रन बनाए, किन बॉलिंग अटैक के खिलाफ बनाए, किस यू नो कितने आपके स्ट्राइक रेट रहे। इमाम का आज भी स्ट्राइक रेट जो है वो कितना है, आज ही सुबह तो देखा था जो मैच में 82 स्ट्राइक रेट है उसका मॉडर्न क्रिकेट में। देखें ये जो आंकड़ों के ऊपर जाते हैं ना स्टैट्स पे, ठीक है, मैं पर्सनली तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्टैट्स। ठीक है, एक प्लेयर का जो एक अपना पर्सोना होता है ना और उसका जो एक तरीक़ेकार होता है गेम खेलने का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बैटिंग में बात करते हैं तो जावेद मियादाद, इंजमाम उलग, सईद अकबर, ये 3 नाम हमें आते हैं जो कि वाकई बहुत बड़े बैट्समैन थे, ये आपको स्टैट्स में कहीं नहीं मिलेंगे। सईद अनवर शायद आपको स्टैट्स में मिल जाए लेकिन ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जब वो ये बोलता था ना कि यार मैं तेरे रूम नंबर में छक्का मारूंगा, तो उस वक्त जो अपने माइंड गेम से वो ऑपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल डिरेल कर देता था, वो था उसका पर्सोना। जब इंजमाम उलग खड़ा होता था ना चेस करने के लिए या रन बनाने के लिए, ऊपर से 3 आउट हो 2 आउट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी चेन्नई के अंदर सईद अनवर ने अनिल कुंबले जैसे स्पिनर को, जोशी जैसे स्पिनर को उठा उठा के फेंके थे 194 जब बनाए थे। तो हमें बेसिकली देखें बात ये नहीं है, बात ये है कि व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री तो उसमें चले, मैं इसको भी इस चीज़ को वो नहीं करता, देखें हम सब किसी ना किसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं एंड वी फील कंफर्टेबल अराउंड विद द पीपल जो हमारे साथ ज़रा जेलन होते हैं, लेकिन यार हम भी एज अ प्रोफेशनल कभी अपने क्लोज बंदे को किसी ऐसे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते जिसका हमें पता हो कि ये क्रूशल चीज़ है और ये अगर सही से एग्जीक्यूट नहीं हुई तो इसका तो जो होगा वो होगा, मेरा और मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पूरे असाइनमेंट के साथ क्या होगा। और आप उनकी सिलेक्शन के लिए आप बेहतर होता है कि आप किसी और सीनियर बंदे को चूज कर लेते हैं कि भाई आप डिसाइड करो इज ही फिट फॉर द जॉब और नॉट। एग्जैक्टली क्योंकि जहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना आपका, आपके एक पर्सनल अगर आप एक आपका दोस्त इंटरव्यू के लिए आया और आपने उसको हायर करना है तो ऑब्वियसली आर गोइंग टू हायर हिम, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना। एक बड़ा मशहूर वाक्य है ना 87 में पाकिस्तान जब इंडिया जाती है और आखिरी टेस्ट मैच बेंगलोर में था तो अब्दुल कादिर तो उस वक्त के टॉप स्पिनर थे लेकिन ही वॉज नॉट बोलिंग वेल और वो बहुत नाराज़ हुए, उनको आखिरी मैच में ड्रॉप कर दिया गया
तौसीफ और इकबाल कासिम, इकबाल कासिम मैच वो खेला और पाकिस्तान वो जीत गया, जिसपे वो अब्दुल कादर नाराज भी था क्योंकि ही वॉज द लीडिंग विकेट टेकर, मतलब जो सारे स्टैट्स तो एग्जैक्टली बात वही कर रहे थे स्टैट्स की, कि स्टैट्स के बेस पे अगर हम सिर्फ हम देखेंगे ना, शोएब अख्तर 177 विकेट हैं टेस्ट मैच में, शायद 145 टेस्ट मैचेस, लेकिन उसकी बात हमेशा दुनिया करती है और वो खुद भी ये कहता है कि यार 500-450 विकेट लेने वाले बेचारे घूम रहे हैं, उनको कोई ना बुलाता है ना उनसे बात करता है, क्योंकि द मैनर यू हैव प्लेड ना उसमें कितना आपके इम्पैक्ट कितना डाला, आपके पंजे हैं मेरे खास लेट से 13-14 पंजे हैं आपके, उसमें से कितने पंजों में आपने पाकिस्तान को जितवाया या किसी भी अपनी टीम को जितवाया, तो ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। अब शाहीन ने भी पंजा लगाया लेकिन उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं वो तो चलें ठीक है, उसमें बहरहाल उसने कम से कम फेस सेविंग तो करवा ली, नहीं लेकिन वो पंजा वैसा नहीं है ना, आज पंजा लगाता ना दरमियान में तो आपको याद भी रहता कि यार ये बड़े मुश्किल ओवर भी करवाने थे ना भाई उससे। नहीं उसने शुरू में तो कुछ भी नहीं किया ना, शुरू में तो बेकार बॉलिंग की, असल में यहाँ से शाहीन थे तो वहां से मेरे ख्याल से वो औकाब थे या गिद्ध थे, तो वो मुकाबला बराबर करते हैं, औकाबों की वजह से नहीं है गिद्धों की वजह से। ये शाहीन को जो सबसे ईगल कहना शुरू किया है ना, ईगल का मतलब होता है चील, वो होता है फैल्कन, बेचारा शाहीन जो है ना चील हो गया फैल्कन से। बाबर आजम को इस पूरे डेकेड में सारी दुनिया की क्रिकेट के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी लोग क्रिकेट को गौर से देखते हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, सब लोग उसे पसंद करते थे और वो उसकी बैटिंग को देखना चाह रहे हैं। ये वो स्टेज था 2023 का वर्ल्ड कप जहाँ पे एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 500 and 600 रन फ्रॉम बाबर आजम अक्रॉस द टूर्नामेंट विद एन इम्पैक्ट, जहाँ पे वो अपनी टीम को कम से कम सेमीफाइनल तक लेकर गया। ठीक है ये मौका तो इन्होंने गवा दिया, क्योंकि अब अगर ये रन बना भी लें तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँचेगा नहीं, और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच जाएगा तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इस तरह पहुँचने का कोई फायदा नहीं। अगर चब्बी भी चार मैच इंसानों की तरह खेल के जीत जाए तो पहुंच सकते हैं यार, ये मेरे ख्याल से मुश्किल है, ये भी एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात है कि चार मैच जीत जाएंगे, मुश्किल है लेकिन ये कि टेक्निकली पॉसिबल है ना, 92 को बस करो यार, एक 92 के चक्कर में हमने भुगत लिए चार साल पिछले, 2009 में भी ऐसे ही पहुंचे थे, 2017 में भी ऐसे, 2009 में तो सही पहुंचे थे, 2009 में तो आप इंग्लैंड से हार गए थे ना, आपको आयरलैंड से जीतना था और पहुंचना था फिर तो, और नहीं हम लोग हमेशा जब सुपर 8 जब बिल्कुल कोई ऑप्शन ही ले जाता ना देन वी, बट अगेन वो वाली टीम भी होती थी ना जब कोई ऑप्शन नहीं रह जाता था और कुछ हो जाता था तो उसमें भी कुछ ना कुछ स्पार्क होता था, जिस किस्म के आज चेहरे नजर आ रहे थे तो एवरीबडी वॉज स्कैटर्ड, मतलब सारे ऐसा लग रहा था कि वो जैसे वो रुई के गाले उड़ रहे होते हैं ना इधर से उधर तकिए फटने के बाद, और अभी बाबर जो बैठा हुआ था ना वो भी ऐसे ही लग रहा था, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये कंसोलिडेट होने वाले हैं नहीं इस तरह दोबारा, और मैं नहीं समझता कि जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज बाकी टीम्स की चल रही है, ये वो वाहिद वर्ल्ड कप है जिसके अंदर कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो मैच ना जीती हो। सर मैथमेटिकल चांस तो है पाकिस्तान का जाने का, अगर अगले चारों मैच पाकिस्तान जीते तो पाकिस्तान जा सकता है, इवन अगर पाकिस्तान 3 भी जीते तब भी मैथमेटिकल चांस है, और हमें तो आदत है कि जब हम दीवार के साथ लगे होते हैं हम तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन इस दफा ज्यादा लग गए दीवार में भी, चमका छेद हो गया, दफा दीवार में लगे नहीं है दीवार में चुन दिए गए। एक बड़ा फेमस वो है सूट्स, उसमें एक कैरेक्टर है हार्वी स्पेक्टर, पता होगा आप लोगों को, वो कहता है जब दीवार के साथ लगे हो ना जस्ट ब्रेक द गॉडडैम बॉल, अब देखें दे शुड कम आउट स्विंगिंग, अदरवाइज तो हम लोग ऑल ओवर हो चुका है। इसका मतलब यह है कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। बिल्कुल तो देखें अभी तो पता नहीं कितने अपसेट और होने वर्ल्ड कप में जो अपकमिंग मैचेस हैं, और जो 6 की हम बात कर रहे थे कि गारंटेड प्लेस है, तो अब तो खैर पाकिस्तान सारे मैचेस भी अगर जीतेगा तो 5 होंगे या 6 हो जाएंगे, अभी भी 6 हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगला मैच भी हार जाएं, नहीं नहीं अगला मैच साउथ अफ्रीका यार अगला मैच देखेंगे या नहीं देखेंगे। सर हम क्रिकेट के समर्थक हैं, हम पूरा वर्ल्ड कप देखेंगे, हम थकेंगे नहीं, हम नहीं थके, हम क्रिकेट देखने से नहीं थकते ना खेलने से ना देखने से। अच्छा अब यहाँ से पाकिस्तान को कहाँ जाना चाहिए, वो वाला सवाल नहीं है रजाक वाला कि यहाँ से हम फिर कितने जाओगे लाहौर क्या पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, इनको कहीं भी चले जाएंगे, किसी कोई लीग खेलने चले जाएंगे, फिक्र क्यों करते हैं। हाँ हो सकता है कोई लीग खेलने चले, हो रही है कोई अगला देखो अगला एक लीग जो ये लोग मिस करते हैं ना सबसे ज्यादा, जो सबसे इम्पोर्टेंट लीग होती है वो नहीं खेलते, ये वो भी चल रही है कायदे आजम ट्रॉफी। अगला मैच जो है हमारा कुल्हाड़ों से साउथ अफ्रीका से, और ग्राउंड यही है यार, स्पिनर खिलाएगा
दोनों दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके खेलेंगे, महाराज भी खेलेगा और तबरेज शमसी भी खेलेगा। हमें अपनी टीम में अब क्या करना है, यही देखना है कि कुछ अभी नवाज को, अभी उसामा मीर को भी बुखार चढ़ाएंगे, आई थिंक इब्रार को लेकर आएंगे, नहीं इब्रार को नहीं लाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब अगले मैच में इनको मोहम्मद वसीम जूनियर को भी खिलाएंगे ताकि उज्जत तमाम हो जाए, उज्जत तमाम हो जाए। आगा सलमान को भी खिला लो, एक ही दफा मसला हल करो, तसल्ली हो जाए ना सबकी, सबने कुछ ना कुछ। आगा तालिश आगा सलमान को भी खिला लो ताकि जो रही सही कसर है वो भी वो पूरी कर दे। जिस दिन वो पिटेगा ना उस दिन सबको कहेंगे कि यार हारिस देख लेना कि जब वो बॉलिंग करेगा हारिस रूफ से बेहतर करेगा। कौन? वसीम जूनियर हारिस रूफ से बेहतर करेगा। हाँ, दूसरी टीम के लिए तो बेहतर होगा ना। नहीं नहीं, हारिस रूफ से बेहतर करेगा। मैं चाहता हूँ मोहम्मद वसीम बॉलिंग कर रहा हूँ और क्लासिन छक्के लगा रहा हूँ, मजा आएगा। कैसे पाकिस्तानी है, किस तरह की बातें कर रहे हैं? लेकिन लेकिन मजा नहीं आएगा इनको उसमें भी। नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ ऐसे ये तो बस कहने गुस्से में, ये भी गुस्सा गुस्सा जरा ज्यादा है अभी। अभी टीम अगर फॉर्म में आ गई, अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया उन्होंने, कोई पता नहीं है, यू नेवर नो। हमने इस तरह के बहुत वर्ल्ड कप देखे यार। जो कुछ हमारे फ्राइज थे ना, हमने कहा था फ्राइज पूरे करने हैं, ये आज का मैच जीतना था, फ्राइज में था, शामिल था, ये आज पूरा नहीं हो सका, इसलिए जाहिर बात है हम थोड़े से जो है ना डिजेक्टेड हैं।